आप सब सुन लीजिए इस प्रश्न को, मैं समझता हूं आप सबके साथ ये समस्या है। आप सबके यहाँ शादी के कार्ड आते हैं जिन पर श्री गणेश जी का फोटो होता है। हालांकि मैं मना करता हूं कि गणेश जी के फोटो नहीं छपवाने चाहिए इस तरीके से कार्ड पर, लेकिन लोग मानते तो है नहीं, इस देश का बेड़ा गर्क देश के लोगों ने किया है। एनीवेज, तो आपके यहाँ अगर इस तरह के कार्ड, कैलेंडर्स, फोटोज, मूर्तियां आदि इत्यादि हैं तो इनको डिस्पोज कैसे करें आप? सबसे बड़ी बात यह आती है कि हम नदी में प्रवाहित करते हैं तो कचरा फैलता है, हम कबाड़ी वाले को दे नहीं सकते, ऐसे में हम क्या करें? तो एक बहुत अच्छा साधन आपको बता देते हैं, घर में आप इनको सारा, जैसे पेपर है, कार्ड्स हैं, सारी चीजें हैं, कोई बर्तन ले लीजिए, कोई कंटेनर ले लीजिए, कोई मटका या कुछ ऐसा ले लीजिए, घर में होता ही है जो आपके यूज में नहीं आ रहा होता है, उसमें आप थोड़ा सा मिट्टी डालिए और मिट्टी डाल के ये जो कैलेंडर्स हैं, कार्ड्स हैं, मूर्ति हैं, ये जो भी कुछ हैं उन सबको उसमें भर दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद उसमें फिर से मिट्टी डाल दीजिए। आपके यहाँ अगर पौधे हैं तो पेड़ों की पत्तियां आदि सब डाल दीजिए, वो सब डिस्पोज हो जाएगा, वो सब आपके घर के अंदर आप ही के यहाँ पर खत्म हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद उस मिट्टी को निकाल के वापस गमलों में डाल दीजिए। एक प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस, आप अगर कागज के रूप में कैलेंडर, कार्ड्स, कागज आदि इत्यादि हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उनको आप पानी में गला दीजिए, एक बकेट में पानी लीजिए, पानी में गला दीजिए, आप देखेंगे दो चार दिन बाद वो गल जाएंगे। फिर उनको ग्राइंड कर दीजिए, कैसे भी ग्राइंड कर सकते हैं आप, ग्राइंड कर दीजिए, लुगदी बन जाएगा, उसको आप गमले में डाल दीजिए। तो जब आप गमले में डाल देंगे तो पानी नीचे चला जाएगा, ऊपर जो सेटल होगा वो धीमे धीमे कन्वर्ट होता रहेगा, मिट्टी उसको खा जाएगी, पकड़ लेगी और वो अपने आप में खाद बन जाता है और वो खत्म हो जाता है। ये प्रयोग भी आप कर सकते हैं और इससे आपका धर्म भी बचेगा, आपका जिज्ञासाएं भी खत्म हो जाएंगी और आप बड़े प्रेम से अपने भगवान जी आदि इत्यादि का सम्मान कर सकते हैं और आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो आप ये कीजिए और इसमें कोई संशय नहीं है, बड़े प्रेम से कर सकते हैं। इसमें मैंने कई बार बोला है कि आप मूर्ति आदि इत्यादि सारी चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। निवेदन आपसे।